अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान अकमल। आपको पता है कि 7-8 साल से और ये पेशावर ज़ल्मी ने काम किया है पंजाब में KPK में, लेकिन ये फर्स्ट टाइम पेशावर ज़ल्मी टैलेंट हंट प्रोग्राम सिंध में आया और बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ। रूटीन में मैं पहुंचा तो ज़रूर बड़ा मज़ा आया मुझे, बड़ा इंजॉय किया मैंने। वही आपको पता है जो रूटीन होती है, ब्रेकफास्ट, रिलैक्स, गपशप लगानी, फिर अपने काम की तरफ आए हैं जिस मकसद के लिए हम लोग सिंध में आए हैं। और आपको नज़र आ गया होगा टैलेंट पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और बड़े ग्रेट क्रिकेटर आए हैं, और मैं कराची में आके हमेशा सेकंड होम में अपने आप को समझता हूँ कि यहाँ पे है। जितनी मैंने क्रिकेट खेली है और बड़ा मैंने इन्जॉय किया और टैलेंट भी बड़ा ज़बरदस्त मिला यहाँ पे। और जज्बा कराची में जो ओपन ट्रायल होते हैं वो आपने देख लिया, हम लोग भी ऐसे ही आते थे। जब ट्रायल का जो टाइमिंग होती थी उससे कुछ 2-3 घंटे पहले पहुँचे होते थे, गर्मी होती थी, खाने को कोई चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन उसके बावजूद इतना जज्बा होता था कि नहीं हमने ट्रायल देने हैं और अपना टैलेंट दिखाना, अगर इस अच्छा हुआ तो हमारे कोचिज़ हमें ज़रूर सेलेक्ट करेंगे, मौका मिलेगा। वो अपॉर्चुनिटी मुझे याद है जो हमने दी है फर्स्ट टाइम। यही जज्बा मैं देख के बड़ा खुश हुआ और आपको दिखाते हैं कि ये ओपन ट्रायल में टैलेंट कैसे देखा जाता है और कैसे सामने आता है, एक्सेप्शनल कैसे टैलेंट एक आधा मिल जाता है तो उस पर काम कैसे किया जाता है। ऐसे ही हम लोगों के साथ हुआ है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है इन लड़कों के लिए और जो यहाँ पे आए हैं ट्रायल देने के लिए। और आइए आपको दिखाते हैं कि टैलेंट कैसे मिलता है। अंडर 14 के ट्रायल हो रहे हैं और इनके लिए इंस्पिरेशन क्या होती है, कैसे ये, ठीक है अभी एकदम से ये पाकिस्तान टीम में नहीं आ सकते, इनको तैयार कैसे करना है, टैलेंट कैसे ढूंढना है। कोचिज है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे कि स्टेप बाय स्टेप नेट्स हो रहा है, ट्रायल ले रहे हैं, फिर उसका प्रोसेस क्या, जो सिलेक्ट हो रहे हैं जो टैलेंट है उनको सेपरेटली कर लेते हैं और बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम किया हुआ। और हम हर जगह गए हैं, इतना वेल ऑर्गेनाइज जो टैलेंट हंट प्रोग्राम है अभी तक मैंने नहीं देखा जहाँ ज़ल्मी टीम गई है, क्योंकि यहाँ के जो लोकल है, जो राशिद भाई की अकेडमी है, बड़ी ज़बरदस्त है और बड़ा ज़बरदस्त ट्रायल हो रहे हैं। तो अब आपको दिखाते हैं कि इन बच्चों के कैसे ट्रायल होते हैं और कैसे इनमें से हम लोग वो टैलेंट देखेंगे जो आगे जाके पाकिस्तान के लिए यूज़फुल होगा। अंडर 14 बच्चे हैं, इनके लिए इंस्पिरेशन बड़ी ज़रूरी होती है। हम लोग भी यंग थे तो हमें बड़ी खुशी होती थी, तो इन बच्चों के लिए मेरे ख्याल से एक मोटिवेशन है जब वो इंजी भाई को देखते हैं, राशिद भाई को देखते हैं, मेरे जैसे छोटे प्लेयर्स को भी देखते हैं तो खुश होते हैं, तो यही एक चीज़ होती है कि मोटिवेट करती है। तो अब ऑटोग्राफ ले रहे हैं तो हम लोग भी थे बड़े शौक से, हम लोग ऑटोग्राफ लिया था जब इंजी भाई से मिले थे, वसीम भाई से मिले थे, राशिद भाई मेरे आइडियल थे। कैसा टैलेंट, कैसे बैट्समैन, कैसे नज़र आ रहे? अच्छे हैं यार, कुछ तो वाकई बहुत अच्छे हैं जो वाकई पिक करने वाले लड़के हैं। कराची में तो हमेशा ही बैट्समैन, यार तो पता लाहौर कराची तो नर्सरी है क्रिकेट की, तो यहाँ से टैलेंट नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब से फ्रेंचाइज क्रिकेट आई है ना तो क्रिकेटर्स का शौक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल सही कह रहे हो, वो चीज़ वाजे नज़र आ रही है, फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी दे रही है बहुत ज़्यादा। हमारी सर्विसेज अगर इस चैनल के थ्रू या इस पैटर्न पे अगर पाकिस्तान के किसी भी काम आ जाए ना तो हमारे लिए इससे बड़े ऑनर की बात। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप जो पाकिस्तान खेले हो, कितनी स्ट्रगल के बाद आते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती थी हम लोगों को, तो यही एक मोटिवेशन होती है जो फ्रेंचाइज काम कर रही है, तो अच्छा साइन है। चले अच्छी बात है, आप तो माशाल्लाह यहाँ के हो, आप लोगों ने इतना टाइम निकाला है कि इन बच्चों को भी देख रहे हैं, टैलेंट को भी देख रहे हैं, पारा कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इन फ्यूचर। डेफिनेटली ये तो फुल क्रेडिट देना चाहिए ज़ल्मी मैनेजमेंट को जो हम लोगों को मौका दे रहे हैं आने का, दिखाने का, और आप अच्छा ऐसे लड़कों के लिए मोटिवेशन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बस अभी राउंड 1 तो ख़त्म हो गया होगा, ये राउंड 1 में सिलेक्ट हुए हैं लड़के, अब राउंड 2 शुरू होने लगा, तो अभी दिखाते हैं ये इनकी परफॉर्मेंस और इनके जो ट्रायल हुए हैं कैसे हुए हैं और कितने अच्छे बच्चे हैं। टैलेंट तो आपको पता है कराची में हमेशा ही मिला, अब दोबारा देखते हैं राउंड 2 में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? कैसा गया पहला राउंड?
बहुत अच्छा किया है कोचिज ने, पूरा आपको टाइम दिया और सेलेक्ट हुए आप राउंड टू के लिए, गुड लक आप लोगों को। और जैसे राउंड वन है वैसे ही आपने राउंड टू में और अच्छा खेल के दिखाना है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, मौका आप लोगों के पास, टीमें बनेंगी, टूर्नामेंट होगा, फिर जर्मी टीम के साथ आप रहोगे, कैंप करोगे, एक्सपीरियंस मिलेगा और मज़ीद हम आप लोगों के साथ काम करेंगे, कैंप भी लगेगा। तो चले ठीक है, सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, एनर्जी है ना, शाबाश, जान के ऐसे। देखें जी, बैटिंग का तो काम मैंने देखा है, कितना अच्छा टैलेंट नज़र आया। अब चलते हैं बॉलिंग की तरफ, बॉलर्स कैसे हैं और देखते हैं कितना कितने अच्छे बॉलर्स हम लोगों को मिलते हैं, क्योंकि T20 है, T20 में क्लेवर बॉलर ही सर्वाइव कर सकता है। तो देखते हैं, चला आए मेरे साथ। कैसे हो आप, ठीक ठाक हो, मज़ा आ रहा है, गर्मी है, मुश्किल तो नहीं हो रहा, यही आप लोगों की मेहनत है जो कामयाब करेगी, जुनून है आप लोगों का, ठीक है, शाबाश, वेलडन वेलडन, गुड लक, फिट लग रहे हो सारे, हैं, जान मारनी है, ठीक है, ये अब हम लोग एकेडमी में आए हैं और यहाँ पे एक नेट लगा हुआ है, नेट तो तीन हो रहे हैं, यहाँ पे ट्रायल हो रहे हैं। ये एकेडमी है ना, ये इंटरनेशनल लेवल की एकेडमी है, आप देखें नेट्स देखें, कुछ 7-8 विकेटें लगी हुई हैं और वहाँ पे यहाँ पे ट्रायल हो रहे हैं बैट्समैनों के, और आपके सामने है ये ट्रायल ले रहे हैं, कोचिज बैठे हुए हैं, नईम तैयब है, शदाब भाई हैं, सारे यहाँ पे ट्रायल ले रहे हैं। राशिद भाई की एकेडमी है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये जो अकेडमी है ये इंटरनेशनल लेवल से कम नहीं है, जैसे NCAA लाहौर की उसके मुकाबले की, लेकिन ICC की है जो दुबई में, वैसा एनवायरनमेंट है यहाँ। नहीं जी, जेलमी मैनेजमेंट ने आप लोगों को दिखाया टैलेंट ट्रायल लेते हुए, और एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है सिंध के लड़कों के लिए, कराची के लड़कों के लिए, जलमी ट्रायल ले रहा है, फिर टूर्नामेंट होगा, फिर उसके बाद जलमी टीम का कैंप लगेगा, वो कैंप का हिस्सा बनेंगे, नेवन हो जो बहुत ही ज़बरदस्त लड़का होगा वो अमर्जिंग कैटेगरी में भी जलमी टीम के साथ रहेगा, फाइनल टीम में और खेलने के चांसेस बनेंगे। और इस काम के लिए मेरे ख्याल से जलमी ने जो मैनेजमेंट ने जो मेहनत की है, जो कैंप इधर लगाया या ट्रायल हम लोग ले रहे हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त है, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाएं।